भी बाकी जो भी सपोर्टिंग कास्ट थे बहुत मजा आया। लाइफ लाइन अब नहीं मिलेगी लल्ला। ऑन स्टेज आई रिक्वेस्ट द वेरी प्रिटी द ब्यूटीफुल खुशी शर्मा टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। निखिल घरे वेयर आर यू? अच्छा यहीं पर हो। एंड वेयर इज राघव? अल्ताफ गुंगा के लिए हम सभी हुए हैं यहाँ एकत्रित। वी हैव विद अस द वंडरफुल पर्सनालिटीज आर हियर, आवर चीफ गेस्ट ऑफ टुनाइट एंड एन अप्लॉज। कम ऑन गाइस एंड दिस इज द खेल तो अब शुरू होगा। खेल तो अब शुरू होगा एक थ्रिलर है और एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में कहानी है, जहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो अपना नाम बदल देता है एक अपने प्यार को पाने के लिए, और उसके बाद क्या कहानी घटती है उसके लाइफ में, क्या सर्कमस्टेंसेज उभरते हैं उससे, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। तो पहले उसे लगता है कि मैंने अपना नाम बदल लिया तो अब खेल शुरू हुआ है, और उसे नहीं पता है कि बहुत खेल अब बाकी है। मेरी को एक्टर इसमें देवशी खंडूरी है, उनकी ये डेब्यू फिल्म है एंड शी फिटेड द रोल परफेक्टली। ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो इंडियन लगे, थोड़ी सी एक इंडियन टच हो जिसमें एंड इनोसेंट लगे, तो परफेक्ट कास्टिंग थी। रोहित पाठक इस फिल्म के विलेन है, ही इज़ ब्रिलियंट एज द नेगेटिव एक्टर इन दिस फिल्म। और बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका एक पूरा गैंग है, सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सर ये पोस्टर की बात करें, 90 के दशक का पोस्टर जैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा पोस्टर है वो एक मूवी आई थी शूट आउट एट वडाला,
मुझे लगता है उससे इंस्पायर किया गया है. तो इट्स अ इंटरेस्टिंग पोस्टर. एक मेरे लिए अच्छा है क्योंकि इतने बड़े पोस्टर पर खुद को दाढ़ी में देखना मेरे लिए एक नई बात है. मैं नॉर्मली क्लीन शेव रहता हूँ. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं दाढ़ी रखूँ. इस फिल्म के लिए स्पेशली मैंने 45 डेज के लिए शेव नहीं किया था और जिस दिन पैकअप हुआ सीधा सेट पर ही मैं शेव करके वापस घर गया हूँ. जो यू नो ऑनेस्टली जब कोई एक्टर जो क्लीन शेव रहता है जब वो दाढ़ी उगाता है और जब खुद को आईने में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं हूँ. तो इट हेल्प मी गेट इन टू कैरेक्टर. और जो जो मैंने काम इस फिल्म में किया है वो मैंने कभी पहले नहीं किया था क्योंकि एक तरीके से एक ऐसी फीलिंग आती है कि आप खुद वो नहीं हो जो आप हो. तो मुझे बहुत मज़ा आया और जो भी मैंने सीन्स किए हैं जैसे भी मैंने इस रोल को अदा किया है उसे करने में मैं खुद को भूल गया था. आई रियली एंजॉयड इट. इस फिल्म में 3 गाने हैं. एक गाना जो मेरी को एक्ट्रेस थी हेज़ल MP3 की जो हीरोइन है हेज़ल उन्होंने स्पेशली एज अ फ्रेंड एक आइटम नंबर किया है इस फिल्म में. उसके अलावा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरे और देवशी के बीच और एक सैड सॉन्ग है जो मुझ पर फिल्माया गया. फिल्म ये लव स्टोरी है एक्शन है क्या? ये एक थ्रिलर है. मैं इसे एक्शन भी नहीं कह सकता. इसमें एक्शन भी है रोमांस भी है लव स्टोरी भी है पर ज़्यादातर ये एक थ्रिलर है. एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में कहानी है. एक बैंक रॉबरी की कहानी है. तो होल एंड होल इसे कहेंगे कि खेल तो अब शुरू होगा एज अ थ्रिलर. राइट. आई थिंक बायोग्राफीज़ बहुत यू नो बहुत मज़ा आता है उन्हें देखने में और अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं और उन पर जब कहानी बनती है तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है. हमें ऐसा लगता है कि वाह यार दे आर सच ग्रेट पीपल इन आवर कंट्री. हमारे देश में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं इंटरेस्टिंग लोग हैं. तो बहुत मज़ा आता है बायोपिक्स देखने में. राइट. मैं धोनी का बायोपिक ज़रूर देखना चाहूँगा बिकॉज धोनी इज़ अ यू नो यंग क्रिकेटर है. इनमें से सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर है तो हमारा आइडेंटिफिकेशन उनके साथ ज़्यादा है. सचिन ऑब्वियसली गॉड है बट धोनी की जो फिल्म है वो एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर भी बना रहे एंड सुशांत सिंह इज़ एक्टिंग एज धोनी. तो और आज इस वक्त धोनी खेल भी रहे हैं तो आई थिंक यू नो द टाइमिंग जो इस फिल्म का है वो बहुत अच्छा है क्योंकि एक आज की फिल्म लग रही है. जो यू कांट कॉल इट अ बायोपिक. ये आज उनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसकी कहानी है. थैंक यू. हाय मेरा नाम है देवशी खंडूरी और आप मुझे देख चुके हैं देव साहब की फिल्म चार्जशीट में. और अभी ये फिल्म आ रही है खेल तो अब शुरू होगा. इसमें मैं सोलो लीडिंग एक्ट्रेस हूँ अपोजिट रुस्लान मुमताज. इसमें आप प्लेइंग मुस्लिम गर्ल. बहुत ही शर्मीली चुपचाप सीधी लड़की गर्ल नेक्स्ट डोर जिसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और अपने प्यार के पैशन के लिए वो क्या क्या कर जाते हैं. उसके बाद कैसे गैंगस्टर आते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. इट्स अबाउट लव एंड पैशन. रुस्लान के साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप लोग देख सकते हो. इट्स वेरी नेचुरल केमिस्ट्री. मेरा कैरेक्टर का मेरा कैरेक्टर एक मुस्लिम गर्ल है जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रही है. फाइनली इसका हस्बैंड आता है जो कि रुस्लान मुमताज प्ले कर रहे हैं. ही इज प्लेइंग माय हस्बैंड. और उनकी उनकी इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनका प्यार प्यार का पैशन और कैसी कैसी सर्कमस्टेंसेस में वो अपना प्यार निभाते हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट. मुझे शूट करके बहुत मज़ा आया. हालांकि लखनऊ में शूट करना बहुत मुश्किल था. बाराबंकी एंड लखनऊ में गुड लोकेशन लेकिन बहुत गर्मी हुआ करती थी. हमारे कैमरे बंद हो जाते थे लेकिन हमारी यूनिट बहुत अच्छी थी. सबने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत मुश्किल था शूट करना बट फाइनली हमने शूट किया एंड इट वॉज़ फन. और अभी एक और मेरी फिल्म आ रही है मैंने प्रियदर्शन सर के साथ की है विद मोहन लाल. अभी ओपम केरला में उसका शूट करके आ रही हूँ. सर क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में बात करें?
भाई मूवी के बारे में प्रोड्यूसर साहब सामने बैठे तो तारीफ ही करूँगा। बहुत शिद्दत से बनाई है और यंग ब्लड ने बनाई है एंड ही इज ऑल्सो एज यंग एज आई एम, है ना? तो हाँ, तो हम जवानों की ये फिल्म है, जवानी की फिल्म है ना? और कहानी थोड़ी हटके है, हर आदमी बोलता है, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना है कि मैं हटके बोलने का मेरा मतलब हटके ही है, और ऐसा अटेम्प्ट, ऐसी कोशिश करना एक हिम्मत का काम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये ऑडियंस से एक्सपेक्ट करूँगा कि इसको पूरी इज्जत बख्शें और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इनके भी हौसले बुलंद होंगे एक पैरेलल सिनेमा बनाने के। सर, आप टीवी के उन दिनों के कलाकार हैं जिन्हें घर घर में आपको एक हीरो की नज़र से देखा जाता था। हाँ, आज कितना बदल चुका है। तो मैं आज भी टीवी कर रहा हूँ, आज मैं इनफैक्ट शूटिंग से ही आया हूँ। काला टीका मेरा जी टीवी पे चल रहा है जिसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, नेगेटिव शेड्स के साथ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले कम कलाकार थे और अब जो है इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, कभी सोचा नहीं था कि करोड़ों में अरबों में खेलेगी। सर, एक काफ़ी अच्छी सवाल है, आजकल हर क्रिकेटर पे बायोग्राफी बन रही है, फिल्में बन रही है, सचिन, धोनी, अजहर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बायोग्राफिकल फिल्म्स बनाना एक ट्रिब्यूट है एक टैलेंट का, और क्यों नहीं, क्योंकि शायद सचिन के लिए तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जैसे कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म्स बनी है, है ना, मैरी कॉम जैसे, कुछ लोगों को नहीं मालूम था, तो फिल्म बनने से मैरी कॉम का एक वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्निशन अपने लेवल का हो गया, तो ज़रूर बननी चाहिए, ये ट्रिब्यूट होना बहुत अच्छी बात है। आपका फेवरेट कौन है, सचिन, धोनी या किसकी देखना चाहेंगे आज? मेरा फेवरेट वही क्रिकेटर है जो इंडिया का नाम रोशन करे। नाम सबने नाम रोशन किया है। देखो, बायोग्राफिकल का जहाँ तक सवाल है, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। अब सचिन डेफिनेटली एक डाउन टू अर्थ और अभी तक एक बड़ा जेंटलमैन और एक बड़ी क्लीन इमेज के साथ अभी तक रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी बायोग्राफिकल मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। कुछ टीवी के लोग भी ऐसे हैं जैसे कि हम लोग था, एक अलग रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने, क्या बॉलीवुड में बनना चाहिए? समझा नहीं। बॉलीवुड के लोगों को भी बननी चाहिए कुछ ऐसी बात, बॉलीवुड स्टार कोई पिक्चर बॉलीवुड के स्टार है उनके ऊपर कुछ बनना चाहिए, उनके ऊपर? अच्छा, उनकी बायोग्राफिकल, उनकी ज़िंदगी तो वैसी खुली किताब है, तो उनके बारे में क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे? हाँ ज़रूर, क्योंकि देखो बुक्स तो बहुतों ने लिखी हैं। एक वक्त पे मेरे को भी कहा गया था कि आप लल्लू फेम जब मिला था कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफिकल किताब लिखिए, तो किताब तक तो समझ में आता है, लेकिन अब फिल्म कैसी बनेगी और उसमें कितने फैक्ट्स और फैक्चुअल्स रहेंगे, वो एक कंट्रोवर्शियल बात है। मेरा अभी वही चल रहा है, काला टीका है जी टीवी पे, और एक नए चैनल पे मैं शायद कुछ करूँगा डायरेक्शन। आजकल बात करें आने वाले दिनों कैसे शो देख पाएंगे आपका? हाँ जी, हाँ, मेरा एक नया शो आ रहा है जी। हाँ जी, आप ज़रूर देखिएगा, अभी तो काला टीका में काम कर रहा हूँ जी मैं। थैंक यू वेरी मच। हाय बेटा, हाउ आर यू?